हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष जंगिर। आज का हमारा वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले हमारे वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थे, आज का वीडियो जो है वो पर्टिकुलर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा जो टॉपिक है वो है सरल रेखा में गति। हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था हमारे पहले वीडियो में वो सरल रेखा में गति था। उसके बाद के जो पोर्शन थे वो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए थे, इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आगे का पोर्शन जो है वो इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। और वो ध्यान से देखें, सरल रेखा में गति। अब यहां पर हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला अपना जो टॉपिक आता है, लास्ट वीडियो में हमने दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन दूरी की जो खास बात है, विस्थापन की खास बात जो है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि वाहन जो होता है उसमें दूरी जो मापी जाती है उसके लिए एक यंत्र लगा होता है। वाहन जो होता है उसमें दूरी जो मापी जाती है उसके लिए एक यंत्र लगा होता है जिसका नाम होता है ओडोमीटर। और दूरी मापने का मतलब क्या है? दूरी मापने का मतलब ये है कि वाहन ने कितनी गति की, इसलिए ओडोमीटर जो है वो क्या है? गति मापक यंत्र। ओडोमीटर जो है वो क्या है? गति मापक यंत्र। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि वाहनों में गति मापक यंत्र जो है उसका क्या नाम होता है। तो वाहनों में जो गति मापक यंत्र होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में, बाइक में जो किलोमीटर को बताता है कि बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, कितने किलोमीटर उसने गति की है, तो उसके लिए जो मीटर लगा होता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर दूरी का ही मापन करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ओडोमीटर किसका मापन करता है, ओडोमीटर किसका मापन करता है, दूरी का, विस्थापन का, चाल का, वेग का? तो आंसर क्या आएगा? दूरी का। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गति मापक यंत्र किस राशि का मापन करता है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्लियर है कि गति मापक यंत्र जो है वो दूरी का मापन करता है। बाकी हमने दूरी और विस्थापन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम उससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो टॉपिक है चाल तथा वेग। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है चाल तथा वेग। चाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। और वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है विस्थापन भाग में समय। समझे? चाल और वेग को पढ़े तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय और वेग का फॉर्मूला विस्थापन भाग में समय। अब लास्ट वीडियो में हमने इस बात को पढ़ा था कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है या बराबर होती है। दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है या विस्थापन के बराबर होती है। तो यहां पर जो अपने पास बात आएगी वो क्या होगी कि भाई दूरी में समय का भाग, विस्थापन में समय का भाग, तो फिर चाल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी विस्थापन। इसका मतलब सॉरी, विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। चाल जो है वो वेग से अधिक होती है, चाल जो है वो वेग से अधिक होती है या वेग के बराबर होती है। चाल वेग से कभी भी कम नहीं होगी, चाल वेग से कभी भी कम नहीं होगी। दूसरी बात जो दूरी की थी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है,
विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यही बात जो है वो इन दोनों राशियों के लिए भी लागू होगी कि चाल हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है चाल और वेग, इनकी जो बेसिक बात है। एक और जो फिजिक्स लर्नर्स हैं उनको ये बात जाननी होगी कि दूरी जो है वो कैसी राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है और जो वेग, सॉरी दूरी के बाद जो आता है विस्थापन जो है वो सदिश राशि होती है। ऐसे ही चाल की बात करें तो चाल जो है दोस्तों वो अदिश राशि है। चाल जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, चाल अदिश राशि है, वेग जो है वो सदिश राशि है। इसके बाद अगर अपन टॉपिक में आगे बढ़े तो चाल जो है वो कौन कौन सी होती है, तो अपने पास दो प्रकार की चाल आएंगी। एक तो औसत चाल और दूसरी जो होती है वो होती है तात्क्षणिक चाल। एक होती है औसत चाल, दूसरी जो होती है तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल जो होती है, जैसे आपने कोई वाहन देखा होगा, वाहन में चाल को मापने के लिए एक मीटर लगा होता है जिसे बोलते हैं चाल मापी या फिर स्पीडोमीटर। जी हाँ, वाहन में चाल को मापने के लिए जो मीटर लगा होता है उसे बोलते हैं चाल मापी या फिर स्पीडोमीटर। तो ये जो है ये कौन सी चाल का मापन करता है, तात्क्षणिक चाल का, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वाहन की जो चाल होती है, किसी विशेष क्षण पर वाहन की जो चाल होती है उस चाल को बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। जबकि औसत चाल क्या होती है दोस्तों, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ये जो फॉर्मूला है ये औसत चाल का है और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। जैसे अगर अपन देखें कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वो 300 किलोमीटर का रास्ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वो 300 किलोमीटर का रास्ता है, तो उस दौरान जो वाहन जो है उसकी चाल हमेशा निश्चित नहीं रहती। आप वाहन को कभी तेज करते हैं, वाहन कभी तेज होता है, कभी धीरे होता है, तो किसी पर्टिकुलर क्षण पर अगर देखें तो उसकी चाल लगातार बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगा, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगा, उसमें चाहे वाहन के बीच में चाल कितनी भी हो गई, कितनी भी ज्यादा हो गई हो, कितनी भी कम हो गई हो, लेकिन कुल दूरी पता चल गया, कुल समय पता चल गया, तो इस फॉर्मूले से हम उस यात्रा के लिए औसत चाल की गणना कर सकते हैं। जबकि तात्क्षणिक चाल का जो मापन है उसको करने के लिए चाल मापी यानी स्पीडोमीटर बनाया गया है। स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल का ही मापन करता है। तो आज हमने 2 मीटर की बात की दोस्तों, एक मीटर जो है ओडोमीटर और दूसरा जो मीटर होता है वो है स्पीडोमीटर। वाहन में आपने देखा होगा 2 मीटर लगे होते हैं, स्पीडोमीटर ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है और ओडोमीटर तय की गई दूरी को बताता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर करना है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखें तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं औसत चाल का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, वो इसी फॉर्मूले से सोल्व होगा। अब जैसे इसमें अपन पहली कंडीशन की बात करते हैं कि कंडीशन भी है, ये क्वेश्चन भी है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ सकते हैं कि किसी यात्रा में आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से तय हो
ठीक है, किसी यात्रा में आधी दूरी वी वन चाल से तथा शेष आधी दूरी वी टू चाल से तय हो तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की है, मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट है या कहीं और भी पढ़े हुए स्टूडेंट है, सबने इस कंसेप्ट के बारे में सुना होगा। और जो लर्नर्स हैं वो इसको समझने की कोशिश करें, लर्नर्स हैं और जो नेवी एयरफोर्स में या फिर जेई में प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन बेसिक जिनका वीक है वो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला जो है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम 8th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हम कैसे सोल्व करेंगे वो हमारा मेन काम है। तो इसका सोल्यूशन देखिए साहब, सोल्यूशन देखिए इसका कि ये यहां से यहां तक यात्रा, जैसे जैसे क्वेश्चन चलता है वैसे वैसे ही सॉल्यूशन चलता है। सॉल्यूशन इज बेस्ड टोटली अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई जीके का प्रश्न नहीं है कि भाई ताजमहल कहां है, ठीक है, जिसमें आपको केवल याद करना ही ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि किसी यात्रा में आधी दूरी V1 चाल से, तो ये यहां से यहां तक की यात्रा मान लो दोस्तों। अब इसमें आधी दूरी V1 चाल से तय होती है, तो आधी दूरी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी आधी दूरी होगी और ये बची हुई आधी दूरी होगी। तो आधी दूरी V1 चाल से तय होती है, बची हुई आधी दूरी V2 चाल से तय होती है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। अब संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, तो जी हमें ये आधी दूरी इसका मतलब ये जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, सही है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। जैसे 100 की बात करें तो उसका आधा क्या होता है 50, तो ये भी 50 ये भी 50, तो ऐसे ही मतलब ये एस ये भी एस। अब टाइम की बात करें तो मान लो कि यहां से यहां तक टाइम T1 लगता है और आगे टाइम क्या लगता है T2। अब टाइम क्यों मानना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। अब सॉल्यूशन, औसत चाल वी एवरेज बराबर कुल दूरी की बात करें तो एस प्लस एस कितना हो गया 2s, और कुल समय की बात करें तो T1 प्लस T2, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्यूशन में जो गिवन रिजल्ट क्वेश्चन वाला है वो V1 V2 है, इसका मतलब आंसर V1 और V2 की टर्म में होना चाहिए, अरे ना हमारे पास एस आना चाहिए ना T1 ना T2। सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखिए कैसे होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि भाई ये एस है ये T1 है ये एस है ये T2 है, अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी भाग में समय होता है, और समय की बात करें तो वो क्या होगा, दूरी भाग में क्या आ जाएगा चाल। अब यहां पर देखें T1 समय लग रहा है और T1 समय बराबर दूरी कितनी है एस, चाल क्या है V1, ऐसे ही T2 बराबर क्या हो जाएगा एस अपॉन में V2। समझ में आ रही है क्या बात ये। अब देखो 2s अपॉन में एस अपॉन V1 प्लस एस अपॉन में V2। अब यहां से एस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, अब जो सॉल्यूशन है वो क्या बचा 2 V1 V2 V2 प्लस V1, यानी फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, समझ रहे हो। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 भी है यहाँ पे, ये V1 V2 पर चला गया और ये V1 प्लस V2, ठीक है। तो किसी यात्रा में आधी दूरी V1 चाल से और शेष आधी दूरी V2 चाल से तय हो तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, तो वो हम याद कर सकते हैं, वो क्या होगी 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये औसत चाल हमने यहां पर ज्ञात कर ली। अब आगे बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसा है, तो औसत चाल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और बेसिक में केवल एक फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी यात्रा में अब किसी यात्रा में अगर देखे जाते हुए, यात्रा में पहले जाना होता है, जाते हुए चाल वीवन तथा वापस आते हुए चाल क्या है V2, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन पढ़े दोबारा से, लर्नर्स जो है वो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े और समझने की कोशिश करे कि किसी यात्रा में जाते हुए चाल V1 और वापस आते हुए चाल V2, तो औसत चाल क्या होगी। तो देखो ये A से B तक की यात्रा, अरे ये A से B तक की यात्रा, ये क्या कर रहा है, जा रहा है, ये क्या कर रहा है, आ रहा है। जाते हुए चाल V1, आते हुए चाल V2, जाते हुए दूरी S, अरे जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आएगा, तो आते हुए दूरी S, लेकिन समय क्या होगा T1, यहां पे क्या होगा T2। अब फॉर्मूला क्या होगा उस चाल का, कुल दूरी कितनी, जाते हुए S, वापस आते हुए S, तो कुल दूरी कितनी होगी 2S, लेकिन समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चलो मैं एक बार लिख देता हूं T1 + T2। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, अरे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो S अपॉन V1 और T2 बराबर S अपॉन V2, दोनों चीजें यहां पर पुट कर दो, 2S अपॉन में S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, वापस से वही रिजल्ट आ गया जो पिछले क्वेश्चन में था, फाइनल क्या आ गया 2V1V2 अपॉन में V1 + V2। ठीक है, तो ये अपन सोल्व कर सकते हैं, ना कि किसी यात्रा में जाते हुए चाल V1, वापस आते हुए चाल V2, तो औसत चाल क्या होगी 2V1V2 अपॉन में V1 + V2। हो सकता है यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू भी दे रखी हो कि भाई 80 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो भी अपन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, कंडीशन मान लो, उसके पास अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ही मान लो, वो कंडीशन जो है वो जनरल कंडीशन हो गई कि जैसे S1 दूरी V1 चाल से, S2 दूरी V2 चाल से, S3 दूरी V3 चाल से तय हो रही है। सही है कि A से B तक की किसी यात्रा में, क्वेश्चन समझ लो, लैंग्वेज समझ लो कैसे भी, ठीक है, A से B तक की यात्रा में S1 दूरी V1 चाल से, S2 दूरी V2 चाल से तथा S3 दूरी V3 चाल से तय हो रही है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुल दूरी, चाल का फॉर्मूला याद रखो, दूरी बटे समय, कुल दूरी कितनी होगी S1 + S2 + S3, लेकिन कुल समय की बात करें, अब समय तो दे नहीं रखा, समय नहीं करेंगे तो समय का सूत्र क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी भाग में चाल, दूरी भाग में चाल, दूरी भाग में चाल क्या होगा S1 / V1, फिर आगे का समय S2 / V2, फिर आगे का समय S3 / V3, ये जो है ये औसत चाल का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम उस क्वेश्चन में क्या है, ये A से B तक की यात्रा, है, इस यात्रा में क्या कह रहा है, 2/3 distance, 2/3 जो है दूरी वो V1 चाल से, शेष दूरी जो है वो V2 चाल से तय है। 2/3 दूरी का मतलब कितना हुआ, 2/3 दूरी V1 चाल से और बची हुई 1/3 दूरी V2 चाल से तय होती है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। अब जब तिहाई करना है अगर हमें, तो सॉल्यूशन देखो बड़ा आसान होने वाला है। देखो सॉल्यूशन क्या है, जैसे आधा आधा करना था, इसे S माना, इसे S माना, लेकिन अब की बार 3 का भाग देना, तिहाई करना है, 3 का भाग देना है, तो जो कुल दूरी है ना उसे S3S मान लो, 3S मानेंगे तो 2/3 कितनी हो गई, 2/3 हो गई
2s और एक की आई कितनी हो गई s। अरे अगर कुल दूरी मान लो, कुल दूरी मान लो 3s है, 3s है तो 2 की आई कितनी हो गई 3s गुणा 2/3 यानी 2s और एक की आई कितनी हो गई s। अब ये v1 है, ये v2 है, ये v1 है और ये v2 है। और समय की बात करें t1 बराबर क्या होगा 2s अपॉन और t2 क्या होगा s upon v2। अब सॉल्यूशन बड़ा आसान है, कुल दूरी, अरे औसत चाल जो है औसत चाल के लिए क्या करना होता है, कुल दूरी कितनी है 3s, कुल समय तो 2s upon v1 plus s upon v2। अब s कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3 v1 v2 upon v1 plus 2v2, ये क्या होगी। अरे समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा से वीडियो में पीछे आकर के लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट दो क्वेश्चन जो है उनको देखो, उन्हीं बेसिस पर ये क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं और कंडीशंस देखते हैं, क्योंकि तो जैसे जैसे कंडीशन समझोगे वैसे वैसे ही टॉपिक समझ में आएगा। ये कंडीशन नोट कर लेना भाई, पहली कंडीशन इसे नोट कर लेना। अब आगे बढ़े नेक्स्ट कंडीशन के पास जाते हैं, औसत चाल इसमें अपन कंप्लीट पढ़ेंगे भाई। ठीक है, औसत चाल जो है वो कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन की, यहां से यहां ए से बी तक की यात्रा है, इसमें क्या कह रहा है, एस वन दूरी तय करता है, टी वन समय लगता है, या फिर ऐसे मान लो कि टी वन समय तक वाहन की चाल वी वन है, कि कोई भी वाहन है T1 समय तक उसकी चाल कितनी है V1, T2 समय तक उसकी चाल है V2, T3 समय तक उसकी चाल है V3। अरे T1 समय तक वाहन की चाल V1, T2 समय तक वाहन की चाल V2, T3 समय तक वाहन की चाल V3, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल जो है वो क्या होगी, तो औसत चाल जो क्या होगी, तो कुल दूरी अपोन में कुल समय, कुल दूरी अपोन में कुल समय, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना। तो कुल दूरी अपोन में कुल समय, अब यहां से यहां तक की दूरी तो नहीं दे रखी पर्सन ने, ये तो कह रहा है कि T1 समय तक वाहन की चाल V1, T2 समय तक वाहन की चाल V2 और T3 समय तक वाहन की चाल V3। अब दूरी नहीं दे रखी तो दूरी ज्ञात करो, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वी वन टी वन, फिर वी टू टी टू, फिर वी थ्री टी थ्री, अपोन में कुल समय, कुल समय तो दे रखा है भाई T1 plus T2 plus T3, तो ये जो है ये क्या हो गई, औसत चाल हो गई, ये जो है क्या होगी, औसत चाल होगी। इसी में एक और कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है, इसी में एक और कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है, ध्यान से देखिए, एक और कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है कि A से B तक की यात्रा, A से B तक की यात्रा है, इसमें आधे समय तक, आधे समय तक वाहन की चाल V1 और शेष आधे समय तक, आधी दूरी नहीं है भाई, आधा समय है, आधे समय तक, जैसे कि यहां से यहां तक वाहन को पहुंचने में 10 घंटे लगे, तो आधा समय कितना हो गया 5 घंटे, यानी 5 घंटे तक वाहन की चाल V1 और बचे हुए 5 घंटे वाहन की चाल क्या है V2। अब इसी को अपन कैसे सोचते हैं, तो आधा समय इसे भी टी मान लो, इसे भी टी मान लो। अब सॉल्यूशन क्या होगा, वी एवरेज, औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल क्या होगी, देखो कुल दूरी, अब दूरी यहां से यहां तक की तो नहीं दे रखी, अब दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय, तो क्या हो जाएगा v1 t फिर v2 t अपॉन में t प्लस t। अब सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, v1 प्लस v2 अपॉन में 2, ये क्या हो गई, औसत चाल हो गई। ठीक है, तो ये भी अपनी औसत चाल ज्ञात करने की कंडीशन थी। ठीक है ना, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन अपन करते हैं सोल्व। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि हम दो कंडीशन को इसके अंदर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हम दो कंडीशन को इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है कि ए से बी तक की यात्रा है, ए से बी तक की यात्रा है, इस यात्रा में क्या हो रहा है कि आधी दूरी जो है, आधी दूरी V चाल से या फिर V1 चाल से तय होती है, शेष आधी दूरी जो है,
शेष आधी दूरी में बराबर बराबर समय, बराबर बराबर समय समय में v2 व v3 चाल से तय होती है। समझ रहे हो कि आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी बराबर बराबर समय में v2 व v3, यानी जितने समय तक v2 चाल रही है उतने समय तक v3 चाल रही है। तो अब आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में औसत चाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करो, इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन आपको बताई गई उस कंडीशन से इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।